प्रियंका गांधी ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है और चुनाव में इंडिया गठबंधन ही जीतने वाला है। सब अपना इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी है प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी है? मुद्दे तो आप बता सकते हैं, आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर ही और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चौहान आम आदमी समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अच्छा, एक तरफा बहुत बड़े पैमाने पे लोग समर्थन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, इंडिया गठबंधन को, और पूरा पूर्वांचल अभी तो हम इसमें पूरा जीतेंगे ही। जो सातवां चरण आएगा आप देखिएगा कि उसका समापन हमारे पक्ष में हो करके और चुनाव का समापन। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अमेठी रायबरेली में भी बड़ी अच्छी पोजीशन है हमारी। अब भैया वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी देशवासियों से वोट डालने की अपील की है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। धन्यवाद। सुल्तानपुर सदर सीट से बीजेपी के विधायक विनोद सिंह ने मेनका गांधी की जीत का दावा किया है। मेनका जी की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप इस सीट से? मुकाबला है, एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भूवल निषाद हैं। अरे भाई, अब आप ऐसा सवाल करें, जिसका सवाल जिसका जवाब आपको मालूम हो वो सवाल हमसे कह करते हैं। मार्जिन की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा? पिछली बार 14,500 के आसपास था। तो आप नाप देंगे? आप बता दिए कितना है? नहीं, कितना उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो क्षेत्र में बनी रही हैं लोगों के, इनका वही प्लस पॉइंट है। चुनाव को लेकर सुल्तानपुर से बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। मैम, वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कितना परसेंट वोट रहेगा, या क्या आप अपील कर रही हैं? क्या मालूम आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दे? अच्छे से, क्योंकि अभी सब लोग वोट दे तो अच्छा हो। बड़ा लड़ाई भी है, कांग्रेस कह रहा है संविधान को बचाने की लड़ाई है। हाउ वुड यू सी दिस? 4 जून को नतीजे आएंगे, लग रहा है पक्ष में रहेंगे बीजेपी के और आपके। क्या बेटी? 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लग रहा है कि जो चुनाव चल रहा है आपके पक्ष में होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा? जरूर जरूर। कितने जरूर। पार आप लोग करने वाले हैं? बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटे हैं कुछ और खबरों के साथ।